में कई शहरों की भूस्खलन और बाढ़ से खराब हुई सड़कों के विकास कार्यों के लिए कई प्रोजेक्ट शुरू करवाए जा रहे हैं। बागवान मंत्री जगत सिंह नेगी ने इन सभी प्रोजेक्ट्स के बारे में क्या कुछ जानकारी दी है, आपको भी सुनाते हैं। लगातार बाधित हुआ है, अभी भी आज चौथे रोज जो है लगातार NH5 जो हमारा नथपा पॉइंट है वहाँ बंद है। बहुत लगातार जो है हैवी स्लाइड्स उसमें हो रहे हैं, लगातार चट्टानों का गिरना जारी है। और उस बात को ध्यान में रखते हुए एक हमने वैकल्पिक जो है सड़क बनाने के लिए कार्य शुरू किया हुआ है, जिसमें 180 फुट का एक ब्रिज राइट बैंक पे लगना है। परंतु उसमें क्योंकि अभी रोड 4 दिन से बंद है, कोई जो ब्रिज के पार्ट्स हैं बैली ब्रिज के कुछ हमने पहुंचा दिए उस स्थान पर, बाकी अभी जो है रोड बंद होने के कारण आगे नहीं बढ़ पाया। तो एक तो इस काम को हम करके जो है जो नथपा का जो स्लाइड है उसको हम बाईपास करेंगे, और दूसरा जो हमारा निगुलसारी वाला पॉइंट है उसको भी बाईपास करने की ज़रूरत है, जिसके बारे में भी हमने मामला PWD विभाग से भी उठाया हुआ, नेशनल हाईवे से भी उठाया हुआ है और केंद्र सरकार से भी उठा रहे हैं। क्योंकि जिस तरह से अभी किन्नौर के अंदर जो 3-4 वेनरेबल पॉइंट्स बन गए हैं, जहां लगातार चट्टानों के गिरने से सड़क जो है लगातार बाधित भी हो रहा है, और ये जो NH5 है ये न केवल जिला किन्नौर की लाइफ लाइन है बल्कि स्पीति सब डिवीज़न का भी लाइफ लाइन है, और जो हमारा बॉर्डर है शिपकिला बॉर्डर कौरिक बॉर्डर जहाँ अभी माननीय प्रधानमंत्री जी हेलीकॉप्टर के माध्यम से अभी जाकर आए, तो ये अगर बाधित रहता है तो बॉर्डर मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी और हमारे जो दो डिस्ट्रिक्ट जो जिला किन्नौर और लाहौल स्पीति का सब डिवीज़न जो काजा का है वो सारा का सारा जो है इससे बाधित होता है। सभी राशन की बात है चाहे फ्यूल की बात है, हर तरह से हमें जो है परेशानी हो रही है। तो हम ये मामला केंद्र सरकार से उठा रहे हैं कि ये जो है रामपुर से राइट बैंक होते हुए वंगतू तक एक वैकल्पिक जो है नेशनल हाईवे का जो है अल्टरनेट रोड बनना चाहिए, ये सामरिक दृष्टि से भी और हमारे जिला किन्नौर और लाहौल स्पीति के स्पीति एरिया के लिए बहुत ही महत्व का है। जियो थर्मल का भी पायलट प्रोजेक्ट बनना है, ये जो है जो कंपनी कर रही है वो जो है हमें पायलट प्रोजेक्ट अपने खर्चे पे कर रही है, एक अभी उन्होंने पायलट चलाना है, अगर वो सक्सेसफुल हुआ तो फिर उन्होंने और जगह पर जहाँ पर ये गर्म पानी निकल सकता है उसकी उन्होंने स्टडी की है। तो ये हम इसमें कोई खर्चा नहीं कर रहे हैं, ये एक हमारे यहाँ पर विजय चौहान है कोई रोडू से है जो आइसलैंड में वहाँ पर काम कर रहे हैं, वो उनका इनिशिएटिव है। अदरवाइज तो जो जियो थर्मल में ये जो आइसलैंड वाले कर रहे हैं वो जो है अरुणाचल गवर्नमेंट के साथ बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है उनका, हमारा एक स्टार्टिंग है। अगर ये हमारा अगर पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुल हो जाता है तो हम इसमें आगे भी जा सकते हैं, और जहाँ जहाँ भी हिमाचल में जियो थर्मल के चांसेस हैं उसको हम अभी तो कोल्ड स्टोर में एक छोटे से उधर से चल रहे हैं, आने वाले समय में जियो थर्मल से हम जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन की भी सोच सकते हैं। अभी हम उसमें कुछ नहीं है, अभी हमारा ये है कि 20-25 हज़ार अगर 1 लाख पेटी तक भी अगर ये कर ले कोल्ड स्टोर जिस जगह को इन्होंने चयनित किया है वहाँ, ये अभी 25 से 30 हज़ार पेटी एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में देख रहे हैं। अगर ये सक्सेसफुल हो गया तो हमारे 2-3 और साइट्स हैं जहाँ फिर हम बड़े स्केल पर जाएंगे। तो अभी हमने कुछ खर्चा नहीं करना है, ये जो इनिशिएटिव है ये एक हमारे वहाँ से जो रोडू से आइसलैंड में है विजय चौहान उनका है, और उसमें उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ आइसलैंड को भी इसमें शामिल किया है, उनके एम्बेसडर कल शिमला में आ रहे हैं, उनको स्टेट गेस्ट डिक्लेयर भी किया है, CM साहब से वो मिलेंगे और आगे चलेंगे उसको। 2-3 जगह कहाँ सर? उन्होंने किन्नौर में ही किया है, किन्नौर में एक हमारा टापरी जगह है और एक हमारा जो है रिब्बा के पास है, एक इन्होंने वैसे समदू भी देखा है कि ये लाइन जो है जिसमें जियो थर्मल का चांसेस अच्छा है देखने को, तो इन्होंने एक रूपी वाले एरिया में भी देखा है, तो पोटेंशियल अच्छा है। आज काफ़ी जो है इसमें वर्ल्ड वाइड काम चला हुआ जियो थर्मल में।